हेलो माय डियर लिब्रा, सो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो करंट पर्सन है या क्रश है या पार्टनर हस्बैंड जो भी है जिसके लिए आप प्यार फील करते हैं, वो अभी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करूँगी। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, और उनके चैनल मैसेज क्या है, लव लेटर क्या है जो कि वो आपको देना चाहते हैं अभी के अभी, और अपनी फीलिंग्स जो है वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, आप उनको कैसे लगते हो, ये सब बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरी जीमेल एनिस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनिस्टा आई डी का जनरल लिंक मिलेगा। और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, डिटेल रीडिंग मैरिज से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, एंड जोडिक साइन के अकॉर्डिंग भी, तो आप जाके वो सारी चीज़ें ज़रूर देखें। ओके, रीडिंग टाइमलेस है, सभी लोग देखेंगे जिनका यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आप सोल हैं। ठीक है, आप सभी लोग देखें। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए शायद अभी तक वो चीज़ नहीं किए हैं जो आप चाहते थे। आप चाहते थे कि मुझे एक बहुत ही रोमांटिक प्रपोज़ल मिले, मेरे इंसान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, मुझे हमेशा गाइड करें, मुझे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके तरफ एक रोमांटिक प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर उस पार्टनर के लिए देख रहे हैं जो आपसे दूर हो गए हैं, आपको ये लग रहा है कि क्या ये मुझे प्रपोज़ करेंगे या नहीं, तो देखिए आपके पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट डेवलप हो रहा है, रिस्पेक्ट डेवलप हो रहा है, प्यार डेवलप हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन अब आपकी इज्जत करेंगे, सिवलरस पर्सन बन रहे हैं, बहुत ही जेंटलमैन टाइप ये पर्सन इनका बिहेवियर हो रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन आपके साथ अभी मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस इन पर्सन मिलकर आपसे बात करना चाहते हैं, डेटिंग पे जाना चाहते हैं, आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, आपके तरफ और भी पहले से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने प्यार को आपके ओर शो करना चाहते हैं, अपने अफेक्शन को आपको अपने इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। अभी के टाइम में आपके पर्सन ये चाहते हैं कि कैसे भी हमारे बीच में पीस आ जाए, पीस लवर आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा है, तो आपके पर्सन जो है आपको रोमांटिक प्रपोज़ल देकर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो ये कार्ड ऑटोमेटिकली खुद ये कार्ड इंडिकेट करता है कि टेकिंग एक्शन का ये कार्ड है। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ कि आपके जो पर्सन है, जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या डिस्प्यूट हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी चैनल मैसेज की अगर बात की जाए तो ये कहना चाहते हैं, व्हाट आई एम टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपने हो सकता है इनको बहुत प्रोटेक्ट किया है, आपने हो सकता है इस पर्सन को बहुत गाइड किया है, आपने हो सकता है इनको बहुत कुछ सिखाया है, आपसे बहुत कुछ सीखे हैं, इसीलिए कहना चाहते हैं कि आज मैं जो भी हूँ मैं तुम्हारी वजह से हूँ। देन आपके पर्सन की एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स। फैमिली इशूज़ हो सकता है आज इस पर्सन को थोड़ा सा चोट लगा हो सकता है कहीं कट लग गया हो, पेपर कट हो या नाइफ से कुछ कट लग गया हो, ब्लड दिखाई दे रहा है इनके हाथ से आते हुए। ठीक है, चिड़चिड़े से थोड़े दिखाई दे रहे हैं आज आपके पर्सन, लेकिन जो आपके लिए दृढ़ निश्चय लिया है कि मैं प्रपोज करूँगा, ठीक है, तो वो चीज़ करेंगे ज़रूर। ठीक है, करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ निगेटिव थाट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से चिड़चिड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि फैमिली वालों ने इनको परेशान कर दिया है, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि फैमिली वालों का सुनने के चक्कर में ना आपसे दूर होते जा रहे हैं, इसलिए अपने फैमिली का नहीं सुनेंगे, ये भी डिसीजन लिया है। और आपके पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं, नो वन कंपेयर्स टू यू, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। उसके बाद आपके जो पर्सन है वो आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि ये जो पर्सन है आपके किस तरीके से आपके साथ ग्रो हुए हैं। ठीक है, और आपके साथ हो सकता है ये बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे हो और अब जाके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आखिर इन्होंने भी तो अपना समय दिया, इन्होंने भी तो उतने सालों से उतने टाइम से एफर्ट लगाया। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता कभी बर्बाद ना हो, टूटे नहीं, इसलिए कहना चाहते हैं कि तुम्हारे ऐसा कोई नहीं है और तुम्हारे ऐसा कोई अच्छा हो भी नहीं सकता। ठीक है, उसके साथ साथ ये कहना चाहते हैं, लव लेटर है इनका, एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, मेरा प्यार तुम्हारे लिए हर एक दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे तुम मेरे साथ रहो, मेरे करीब रहो या मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही हमेशा प्यार करूँगा, और मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, नेक्स्ट एक्शन मैं जल्दी ले रहा हूँ, तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बातें करनी है। ठीक है, और बहुत सारा लॉट ऑफ एक्साइटमेंट लेकर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी भी टॉपिक पे, दुनिया के किसी भी कोने में है, बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनिस्टा आईडी का जनरल लिंक डेफिनेटली मिल जाएगा।
ठीक है, सो बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी, आप सभी लोग।